Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. Students, complex sentence की क्लास में हम लोगों ने लास्ट की क्लास में पढ़ लिया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कितने भागों से मिलकर बने होते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है और सबॉर्डिनेट कितने प्रकार के होते हैं. तो ओरली मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा फिर से. स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है. ठीक है, सबॉर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर ही आश्रित होता है और प्रिंसिपल क्लॉज के लिए किसी अन्य क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसके अर्थ को पूरा करने के लिए. अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में ही पूर्ण होता है, उसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए अन्य क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ती है. जबकि सबॉर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की हेल्प लेनी पड़ती है. ठीक है ना, हमने जाना था लास्ट क्लास में ही कि सबॉर्डिनेट क्लॉज को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. तो हम लोगों ने नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज का अध्ययन कर लिया था. सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग एडवर्ब क्लॉज का अध्ययन करेंगे. एडवर्ब क्लॉज को हिंदी में क्रिया विशेषण उपवाक्य भी कहते हैं. तो थोड़ा जान लेते हैं ये एडवर्ब क्लॉज क्या होता है. तो जो क्लॉज एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताना, अर्थात जो क्लॉज किसी वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताएं उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं. लिसन वंस अगेन, वह क्लॉज जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताएं उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं. एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जब रमेश यहाँ आया था तो मैं सो रहा था. When रमेश केम हियर आई वॉज स्लीपिंग. देखिएगा, जब रमेश यहाँ आया था मैं सो रहा था. यहाँ पर When रमेश केम हियर ये एक वाक्य, ये एक क्लॉज हो गया. आई वॉज स्लीपिंग ये एक क्लॉज हो गया. तो आप लोग समझ करके बताइए मुझको कि दोनों में से कौन सा क्लॉज है जो पूर्ण रूप से भाव स्पष्ट दे रहा है, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है. When रमेश केम हियर, जब रमेश यहाँ आया था, लग रहा था ना, लग रहा है कुछ और बात हो रहा है इसमें. अगर सिर्फ इतना बोल दें आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, सिर्फ इतना लिख करके फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो लगेगा कि सेंटेंस पूरा है. तो अर्थात जो सेंटेंस पूर्ण भाव देते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और जो आश्रित होते हैं उन्हें सबॉर्डिनेट या आश्रित उपवाक्य बोलते हैं. तो यहाँ पर आई वॉज स्लीपिंग प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और When रमेश केम हियर ये सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया. अब देखिए सबॉर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है. तो इससे थोड़ा समझिएगा, When आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था. When रमेश केम हियर, जब रमेश यहाँ आया था. जब रमेश यहाँ आया था तो मैं क्या कर रहा था, मैं सो रहा था. अर्थात यहाँ पर स्लीपिंग पर ये पूरा इंडिकेट कर रहा है, जब मैं यहाँ आया तो रमेश सो रहा था. अर्थात यहाँ पर वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा जो क्लॉज वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा. यहाँ पर आप देखिए, When रमेश केम हियर, जब रमेश यहाँ आया मैं सो रहा था. आई वॉज स्लीपिंग, मैं यहाँ सो रहा था. जब रमेश यहाँ आया मैं क्या कर रहा था, मैं सो रहा था. अर्थात ये पूरा हमारा इंडिकेट कर रहा है वर्ब की, वर्ब को इंडिकेट कर रहा था, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. इसलिए यह पूरा हमारा ये क्लॉज कौन सा क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा. दूसरे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, उसके चले जाने के बाद हम उसके घर पहुँचे. वी रीच्ड हिज हाउस आफ्टर ही हैड लेफ्ट. वी रीच्ड हिज हाउस आफ्टर ही हैड लेफ्ट. यहाँ पर देखिए, वी रीच्ड हिज हाउस, हम उसके घर पहुँचे, सिर्फ इतने से ही फुल स्टॉप लगा देने से वाक्य पूरा हो सकता है. लेकिन आफ्टर ही हैड लेफ्ट, उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद, यह भी अधूरा है. तो ये हमारा ही रीच्ड हिज हाउस प्रिंसिपल हो गया और आफ्टर ही हैड लेफ्ट, उसके जाने के बाद, जो इटैलिक तरीके से लिखा हुआ, इटैलिक वे में लिखा हुआ, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा. और ये देखिए किस पर आश्रित है, उसके जाने के, वी रीच्ड, रीच वर्ब है ना, ये वर्ब क्वालिफाई कर रहा है. आफ्टर ही हैड लेफ्ट, उसके जाने के बाद. वी रीच्ड, हम पहुँचे, हम कब पहुँचे, उसके जाने के बाद. तो यहाँ पर आफ्टर ही हैड लेफ्ट जो है ये क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज है, सॉरी एडवर्ब क्लॉज है. क्यों, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. उसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल देखिए, वह कठिन परिश्रम करती है जिससे वह प्रथम आ सके, जिससे या फिर ताकि वह प्रथम आ सके. शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे कम फर्स्ट. इसको इस स्पोकन क्लास के बच्चे भी ध्यान समझेंगे. अगर इंग्लिश जानने की इच्छा है तब पर भी आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिए और इसी के द्वारा कुछ वर्ड को लर्न कर लीजिए, कुछ यू नो सेंटेंस और सेंटेंसेस को लर्न कर लीजिए, इससे आपको बोलचाल की भाषा में ये सारे सेंटेंस आसान लगने लगेंगे. तो वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह प्रथम आ सके. शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे कम फर्स्ट.
इसको आप चेंज कैसे करोगे? शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, सो दैट शी मे कम फर्स्ट, ताकि वह प्रथम आ सके, ताकि या जिससे वह प्रथम आ सके, ये सबॉर्डिनेट होगा। और वह क्यों मेहनत करती है? ताकि वह प्रथम आ सके। वह प्रथम किस लिए मेहनत करती है? प्रथम आने के लिए, अर्थात वो प्रथम कैसे आ सकती है? मेहनत करके आ सकती है। तो यहाँ पर वर्क मीन्स काम करना, काम करना क्या है हमारा? ये वर्ब है। तो यहाँ पर भी ये क्लॉज जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज विशेषता बता रहा है वर्ब की, इसलिए यह एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज होगा। एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा, जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। आई शैल कम विथ यू व्हेन यू कम, आई शैल कम विथ यू व्हेन यू कम, आई शैल कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा व्हेन यू रिटर्न, जब तुम लौटोगे। कहते हैं जब तुम वापस आओगे, जब तुम लौटोगे तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। आई शैल गो विथ यू, ये प्रिंसिपल क्लॉज। व्हेन यू रिटर्न, जब तुम वापस आओगे, जब तुम वापस आओगे अर्थात जब तुम वापस आओगे तो क्या होगा? चलूँगा मैं आपके साथ। तो यहाँ पर भी ये सबॉर्डिनेट क्लॉज बता रहा है विशेषता गो वर्ब की, इसलिए यहाँ पर ये भी एडवर्ब क्लॉज होगा। एग्जांपल नंबर 5 देखिए, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, अनुत्तीर्ण हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, देखिएगा कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि, इसकी इंग्लिश में सिर्फ लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट, याद रख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि, सिर्फ आपको लेस्ट लिख देना है, इसी से अर्थ निकल आएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि। और याद रखिए कि लिस्ट के साथ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हमको शुड का प्रयोग करना होता है। लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड का प्रयोग करना है कहीं ऐसा ना हो कि के लिए। तो कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अनुत्तीर्ण हो जाओ। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, यहाँ पर देखिए वर्क हार्ड प्रिंसिपल क्लॉज, लिस्ट यू शुड फेल, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज, यू शुड फेल, तुम कहीं फेल ना हो जाओ, इसलिए क्या करो? परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो। तो हार्ड वर्क क्या है? वर्क हार्ड क्या है यहाँ पर? पर वर्क क्या है यहाँ पर? वर्क हार्ड यहाँ पर एक प्रकार से ये वर्क, ये हमारा एडजेक्टिव है, सॉरी ये हमारा यू नो एडवर्ब है, सॉरी वर्क काम करना ये हमारा वर्ब है, और इसकी बात करें तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा वर्क हार्ड, कड़े परिश्रम करो। तो इस प्रकार से ये सबॉर्डिनेट क्लॉज ये वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से 6 एग्जांपल देखिए, यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है, ये यद्यपि लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य है या सबॉर्डिनेट क्लॉज है। येट ही इज़ ऑनेस्ट है, यद्यपि वह ऑनेस्ट है, यहाँ पर येट ही इज़ ऑनेस्ट, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, फिर भी क्या है? ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्लॉज हमारा विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव का, इसलिए यह एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है ना, इसको समझते चलिएगा। जैसे 7वां एग्जाम्पल कहता है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। यू कैन नॉट पास अनलेस, अनलेस मीन्स होता है जब तक नहीं, ये इतना होता है जब तक नहीं, अनलेस मीन्स जब तक नहीं, नहीं तो आप लोग बोल देंगे इसमें नेगेटिव कहाँ है नहीं के लिए। अनलेस मीन्स होता है जब तक नहीं, अर्थात जब तक नहीं, अनलेस यू कैन नॉट, यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते हैं। कहते हैं जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। यहाँ पर 2 बार नॉट नॉट है, नहीं नहीं है, एक नेगेटिव तो अनलेस से हो गया और एक नेगेटिव तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है। ठीक है ना, तो जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते, यू कैन नॉट पास। अब देखिए कैसे, यू कैन नॉट पास प्रिंसिपल क्लॉज, अनलेस यू वर्क हार्ड सबॉर्डिनेट क्लॉज, जब तक तुम कड़े परिश्रम नहीं करोगे तब तक क्या नहीं हो सकते हो? पास होना, पास करना। तो यहाँ पर भी ये वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ये क्लॉज, इसलिए ये भी हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। 8वां एग्जांपल कहता है,
जहाँ हो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप वे आर यू आर, या आप बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं, जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ, स्टैंड अप वे आर यू आर। यहाँ पर स्टैंड अप प्रिंसिपल क्लॉज, वे आर यू आर जहाँ पर तुम हो सबॉर्डिनेट क्लॉज, जहाँ पर तुम हो क्या हो जाओ, स्टैंड अप खड़े होना वर्ब हो गया। तो एक प्रकार से ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज वर्ब की विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार से आठवां कहते हैं, मैंने इस कलम को ख़रीदा क्योंकि यह सस्ती थी। आई बॉट दिस पेन बिकॉज इट वॉज चीप। आई बॉट दिस पेन, मैंने यह पेन ख़रीदा बिकॉज इट वॉज चीप, क्योंकि यह सस्ती थी। आई बॉट दिस पेन प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और जो इटैलिक वे में लिखा हुआ है ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा ये। और देखिए, बिकॉज इट वॉज चीप, मैंने पेन क्यों खरीदी, मैंने पेन ख़रीदा ना, ख़रीदना बाउट या बाई ये वर्ब है, तो ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज होगा। उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, यदि तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें यह पसंद आएगा। इफ़ यू रीड इट यू विल लाइक इट, इफ़ यू रीड इट यू विल लाइक इट, तो यू विल लाइक इट प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और इफ़ यू रीड इट, यदि तुम इसको पढ़ते हो, ये तुम इसको पढ़ोगे तो यू विल लाइक इट, तुम इसको पसंद करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, जब जब दो सेंटेंस लिखे हो, एक फ्यूचर में हो तो दूसरे को हमको प्रेजेंट डेफिनिट बनाना पड़ता है, इसलिए इफ़ यू रीड इट, ये नहीं कि आप जब तुम पढ़ोगे, इफ़ यू विल रीड, तुम इसे पसंद करो, यू विल लाइक इट, नहीं, आपको विल का प्रयोग एक ही बार करना है। जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब दोनों फ्यूचर टेंस में होते हैं, तो एक को हम लोग चेंज कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हो जाएगा इफ़ यू रीड इट, अगर तुम इसको पढ़ते हो तो यू विल लाइक इट, तुम इसको पसंद करोगे, ठीक है ना। जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देते हैं, जो मेन क्लॉज होता है उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये सबॉर्डिनेट हो गया और ये मेन हो गया, मुख्य या यू नो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो यू लाइक इट, तुम इसको पसंद करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा, इफ़ यू रीड इट, अगर तुम पढ़ते हो, तुम इसको पसंद करना, लाइक में इस पसंद करोगे ना, तो यहाँ पर देखिए लाइक को क्वालिफाई कर रहा है ये क्लॉज, इसलिए यह एडजेक्टिव, इसलिए यह एडवर्ब क्लॉज होगा। किस प्रकार से ये 10 एग्जांपल्स आपके सामने थे, 10 एग्जांपल्स से आप लोगों ने समझा होगा कि कैसे हम लोग को यूज़ करना है। फिर भी हम लोग नियम देख लेते हैं, ये हमारे नियम, पहला नियम कहता है एडवर्ब क्लॉज टाइम प्लेस कंडीशन क्लॉज पर्पस कंपैरिजन कंट्रास्ट आदि प्रकट करता है, ठीक है। इसका नियम नंबर 2 कहता है वेन के पश्चात देन नहीं आता है, केवल कॉमा लग जाता है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 में आपको बताया जा चुका है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा तीसरा नियम कहता है आल्दो के साथ येट लगा देते हैं, ठीक है ना। आल्दो येट, आल्दो और येट, आल्दो हमारा हो जाएगा सबॉर्डिनेट वाले में और येट हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज में, एग्जांपल नंबर 6 में आपको ऊपर बताया जा चुका है। उसी प्रकार से रूल 4 कहता है इफ़ के पश्चात भी तो के अंग्रेजी देन नहीं लगाते हैं, इफ़ के साथ कि सिर्फ कॉमा लगा देते हैं, उसी से तो की अंग्रेजी निकल आती है, एग्जांपल नंबर 10 में इसके बारे में बताया जा चुका है। एग्जांपल आप रूल 5 की बात कर लेते हैं, अनलेस और अनटिल के पश्चात नेगेटिव शब्द नहीं आते हैं, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में नेगेटिव होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, एग्जांपल नंबर 7 में आप इसको देख सकते हैं। रूल 6 कहता है अगर वाक्य को दोनों भागों में गा गी गे लगे होते हैं तो इफ़ या वेन से प्रारंभ होने वाले क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं और दूसरे को फ्यूचर डेफिनेट लिखते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप एग्जांपल नंबर 4 और 10 देख सकते हैं। रूल 7 कहता है लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, लिस्ट के बाद नॉट नहीं लगाया जाता है, इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम्पल में, आप एग्जाम्पल नंबर 5 इसको फिर से देख सकते हैं। उसी प्रकार से रूल 8 कहता है सो दैट ताकि के बाद आने वाले क्लॉज में मे या माइट का प्रयोग होता है, सो दैट के बाद में या माइट का प्रयोग होता है, एग्जांपल नंबर 3 में आपको बताया जा चुका है। इसलिए अगर आप फिर से इसको जानना चाहते हैं तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिप्ले करिए, स्टार्टिंग से आपने 9-8 रूल जान लिया है, एक नौवा रूल भी जान लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। नौवा रूल कहता है आफ्टर के पश्चात पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, याद रहेगा आफ्टर के पश्चात पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको बताया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स आप इसको फिर से एक बार रिप्ले करके देख सकते हैं, जैसा रूल आपको 9 रूल बताया जा चुके हैं, इन 9 रूल्स को आपको 10 एग्जांपल्स में स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। अब आप फिर से एक बार जब वीडियो को पॉज करके वीडियो को रीस्टार्ट करेंगे तो आपको आई होप अच्छे समझ में आएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।